जन्य वस्तु कोई भी है अपने जनक को मान सकती है जान नहीं सकती। जैसे बेटे बेटियां आपके जन्य हैं, वो आपको मान सकते हैं कि हमारे बाप हैं, लेकिन किस ढंग कितने बजे कैसे बाप बने जान नहीं सकते। जन्य वस्तु जनक को मान सकती है जान नहीं सकती। तो ये सारी सृष्टि ईश्वर की जन्य है। हम ईश्वर को जान नहीं सकते, ईश्वर को मान सकते और मानकर फायदा उठा सकते, इसलिए यहां श्रद्धा की जरूरत है। मकान आपका जन्य है, आप जान सकते कि ईंट कहां बनी, कैसे बनी, ये कहां सीमेंट को जान सकते, झोपड़े गली गुंजी को जान सकते, लेकिन भगवान को जानने बैठोगे तो बुद्धि, एक बुद्धि क्या, सारी दुनिया की सब बुद्धि मिलाकर भगवान को जान नहीं सकती। भगवान को माने तो भगवान अपनी कृपा से अपना आपा जताते हैं, अपनी बुद्धि से भगवान को जानने में मत लगो, भगवान को मानने में लग जाओ। जैसे ये घड़ियाल है, तो इस घड़ियाल को कहां बनी है आप नहीं जानते, लेकिन मानते तो हैं कि कहीं न कहीं बनी हो। पेड़ पर नहीं बनी होगी ये भी मानते हैं, किसी न किसी फैक्ट्री में बनी होगी, मनुष्य ने बनाई होगी। उस मनुष्य को आप जानते नहीं लेकिन मानते हैं। ऐसे ये सूरज किसी मनुष्य की बनावट नहीं है, चंदा किसी इंसान की बनावट नहीं, फिर भी दिखता है। तो जरूर इसको बनाने वाला कोई है, जो है वही भगवान है, वही हमारा ईश्वर है, वही सर्वोत्तम है। हम तुझे नहीं जान सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो हमें जानता है। हम तुझे मानते हैं, तू हमें जानता है। हम बुरा काम करते तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, और अच्छा काम करते तो दिल में बल देता है और खुशी देता है, यश देता है। तू हमको जानता है महाराज, हम तुझे मानते, तू हमको जानता है, हम तुझे मानते, तू हमको जानता है। अरे राम, अरे बच्चा अगर माँ को कहे कि माँ हम तुमको मानते, तुम हमको जानते, तुम मेरी मैया है, मैया तो माँ का हृदय छलक जाएगा। बाप को गले लग जाए, पिताजी हम आपको मानते, आप हमारे पिता है, लेकिन आप तो हमको जानते हैं कि हम आपके बेटे, पिताजी पिताजी हम आपके बेटे बेटे। भगवान करो कितना भी क्रूर पिता हो, दिल पसी जाएगा, वो तो पसीजा हुआ दिल है, और पसीजेगा और आपकी भक्ति के चार चांद चमकने लग जाएंगे। सरल तरीका, बड़ा सुगम तरीका। दुनियादारों को पटा पटा कर क्या मिलेगा, पटाओ तो प्रभु को ही पटा लो ना। बेटा माँ को पटा ले तो मौज हो गई जयराम जी की, ऐसे भक्त भगवान को पटा ले, भगवान पटते क्या, भगवान को प्रसन्न करना है, पटाना क्या। भगवान ने कहा भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। और प्रीति पूर्वक भजने स्मरण करने से रासायनिक परिवर्तन होते, आधा घंटा कोई क्रोध करे तो सवा अंश खून जहर बन जाता है, लेकिन आधा घंटा कोई भगवान के चिंतन प्रीति में रहे तो सवा अंश खून अमृतमय भी तो बन जाता है। संत लोग और प्रसन्न लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बीमार होते तो थोड़ी सी दवाई फूलती फकी से ठीक हो जाते, क्योंकि उनके आरोग्य की रसधारा अपनी है। सामान्य मनुष्य इंजेक्शन कैप्सूल और टॉनिकों से स्वास्थ्य लेता है, लेकिन प्रसन्न और भक्त तो भगवान के नाम और सुमरण से ले लेता है। सामान्य मनुष्य पोथी पढ़कर विद्यालय आता है, लेकिन भगवान का प्रेमी तो भगवान को प्रेम करके ऐसा भूलता है कि विद्वान भी ही उनके भगत बन जाते। तुकाराम जी क्या पढ़े थे, कबीर जी क्या पढ़े थे, मीरा क्या पढ़े थे, रामकृष्ण देव क्या पढ़े थे, लेकिन पढ़े लिखे उनके चरणों में बैठकर अपना भाग्य बना ले। सामान्य मनुष्य खुशी के लिए क्लबों में जाता है, डांसे करता है, दारू पीता है, नाच गान करता है, फिर भी उसकी खुशी टिकती नहीं, और भगवान का प्यारा
भगवान को प्यार करता है उसकी खुशी और आनंद मिटता नहीं और दूसरों को भी आनंदित कर देता है। नारायण नारायण नारायण।